स्टूडेंट, कल हमने दो टाइप का होता है फाउंडेशन पर, दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड होता है एक मूवेबल होता है। तो हमने फिक्स्ड है और मूवेबल के बारे में बताया थे कि फिक्स्ड है फाउंडेशन पर क्या होता है और मूवेबल फाउंडेशन पर, और उसमें फिक्स्ड में भी हमने कल बताया था एक रेट वेट के बारे में और एक फिक्स्ड टाइप का बारे में हमने कल फाउंडेशन बोर्ड के बारे में बताया। आज हमने बताने जा रहे हैं ये आई फाउंडेशन बोर्ड और बैंक फाउंडेशन बोर्ड जो है ये फिक्स्ड टाइप के अंतर्गत आता है। ये क्या आता है? फिक्स्ड टाइप का अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे ये आई फाउंडेशन बोर्ड में जो है इसका जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा हुक टाइप का बना हुआ रहता है और ये देख रहे हैं इसके ऊपर मेटल आती इसमें एमएस मेटल आता है उसके ऊपर एक बोल्ट लगा रहता है उसके ऊपर एक नट लगा है। तो हम लोग इसका उपयोग आ करते हैं जैसे भारी मशीन का किसी फाउंडेशन पर कसना रहता है या बंधना रहता है उसको कसने या बांधने के लिए हम लोग आई फाउंडेशन बोर्ड का उपयोग करते हैं। आई फाउंडेशन बोर्ड में यह हुक की तरह बना रहता है इसलिए हम लोग इसको आई फाउंडेशन बोर्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे बैंक आई फाउंडेशन बोर्ड, इसमें क्या होता है? ये भी फिक्स्ड टाइप का ये टाइप है लेकिन ये आप देख रहे हैं ये जो है बैंक है ये इंग्लिश मेटल है इसके ये जो है किनारे किनारे पे है ये कंक्रीट और सीमेंट का ये जो गला है वो उसमें डला हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ से आपको सीधा बोल्ट रहता है रड रहता है इसके बाद यहाँ मुड़ा हुआ पार्ट रहता है और ये ऊपर जो है बोल्ट है ये जो है इमेज पलेट है। तो इस प्रकार के हम लोग बोल्ट को हम लोग बोलते हैं बैंक टाइप पर बोल्ट बोलते हैं। ये भी एक फिक्स्ड टाइप के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग चलेंगे रिमूवेबल फाउंडेशन बोर्ड। ये रिमूवेबल फाउंडेशन बोर्ड के रिमूवेबल फाउंडेशन बोर्ड के अंतर्गत आता है। ये आप देख रहे हैं ये इमेज प्लेट मुड़ा हुआ रहता है ये भी एक प्लेट रहता है इसके अंदर जो है देख रहे हैं कंक्रीट है और ये यहाँ पिन टाइप पर होता है लगाने और एक लगाने और कसने के लिए। तो इस प्रकार के हम लोग इमेज में क्या है ये इसको हम लोग आसानी पूर्वक मैंने कि किसी मशीन हल्का मशीन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं हल्का मशीन के लिए अगर तुरंत अगर मान लो कि इसको फाउंडेशन से निकालना हो तो ये तुरंत हम लोग इसको क्या करते हैं आसानी पूर्वक निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बहुत दिक्कत होती है। ये क्या होता है कि फिक्स्ड रहता है तब इसको निकालना पड़ेगा भाई फाउंडेशन को फाउंडेशन को तोड़ना पड़ेगा जो कंक्रीट का और सीमेंट का बना हुआ रहता है उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि तीन आता है तीन दो हम क्या करते हैं निकाल देते हैं। तो इस प्रकार के